अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। पिछले 30 वर्षों से एक भाई, एक मित्र और एक सहयोगी की तरह जानते आए हैं, वो चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा, वो मुस्कुराहट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि शुक्ला जी आज हमसे विदाई दे रहे हैं। शुक्ला जी उन लोगों में से हैं जो ऑफिस को अपना परिवार और काम को भगवान समझकर उसकी पूजा करते आए। माननीय सेठ संपतलाल जी, मैनेजर साहब और दोस्तों, मुझ में अगर मुस्कुराने की ये बुरी आदत ना होती तो आज आपका ये प्यार देखकर बिना किसी शर्मो लिहाज के आपके दरमियान आपके सामने रो पड़ता। लेकिन मेरा हमेशा ये उसूल रहा है, जितनी बड़ी मुसीबत हो, जितना बड़ा गम, उतनी गहरी मुस्कुराहट। दोस्तों, मेरी ऑफिस की जिंदगी अकाउंट्स में गुजरी है, हिसाबों में, प्लस माइनस सम टोटल। लेकिन मेरी जिंदगी के हिसाब में कौन सी रकम कहां से आई है वो आप नहीं, मैं जानता। आज आपको यह बताने में मुझे जरा सी भी शर्म महसूस नहीं हो रही,
कि मेरी इस कामयाबी के खाते में सबसे बड़ा हिस्सा मेरी पत्नी सरोजनी का है। मेरी पत्नी का सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता। वो आज तक मेरी दूसरी पत्नी को भी सहती है। चाहे अजी मेरी दूसरी पत्नी यानी मेरा काम, जिसे कभी कभी गुस्से में आकर ये सौतन कहती है। और आज मैं अपनी इस बीवी को छोड़ के जा रहा हूं। किस दिल से जा रहा हूं मेरा ही दिल जानता है। आपसे एक दोस्ताना मशवरा है, अपने काम को कभी बोझ मत समझना है। उससे प्यार करना सीखो, उसकी उसकी पूजा करना सीखो। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, किसी को कुछ कह दिया हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो अपना समझकर मुझे माफ कर देना। थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। स्टडी प्लीज। थैंक यू। टचवुड हैप्पी फैमिली। कितनी कॉपी निकालो सर? अरे कितनी क्या भाई, एक कॉपी निकालना बस। नहीं पिताजी, मुझे अपने लिए भी एक कॉपी चाहिए। पिताजी मुझे भी एक चाहिए, मेरे भैया मांग रहे थे। एक मैं भी, मैं अपनी टीचर को दिखाऊंगी। अरे भाई तुम तो खामोखा लड़ रहे हो। हम लोग अभी हैं तुम्हारे पास। हाँ सुनो जरा, क्या क्या नाम है तुम्हारा? मैं खैर जो भी हो, तीन कॉपी निकाल। राइट सर। बस अब जाओ। सुनो जी, सीमा बेटी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। आज परिवार के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन वो तुम्हारे प्रभु साहब भी तो नहीं है? वो जरूर साइकिल रेस में हिस्सा लेने गया होगा, उसे वर्ल्ड चैंपियन जो बनना है। टांग तोड़वा के आएगा। हाँ माँ का लाडला है, जो करे सो कम है। पिताजी एकदम मवाली हो गया है, आजकल किसी की भी नहीं सुनता। बेचारा, मेरी बहन की एक ही निशानी है, मरते मरते हमारे सहारे छोड़ गई थी। लेकिन पिताजी हम भी उसके भले के लिए ही तो कह रहे हैं। देखो ना, ना काम ना काज, कम से कम वक्त पे खाना ही खा ले। ठीक है, आ रहे दोस्त, बनाता हूँ उसे वर्ल्ड चैंपियन। हो गया उस्ताद? हाँ बिल्कुल हो गया। ए, अगर कोई घोड़ा होता ना तो इन खूबसूरत हाथों को चूम लेता। अरे उस्ताद अपना साइकिल भी घोड़े से कम नहीं है, रेस में एंटर होगा ना सब लोग पीछे रह जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन अगर घोड़े की सवारी कोई गधा करेगा तो कैसे जीतेगा? अरे उस्ताद दोस्तों के आप उनको गाली देता है। अबे दोस्त ना होता तो मोटर मैकेनिक होकर के ये तेरी साइकिल दुरुस्त करता। अरे हिटलर मैं तो मजाक कर रहा था। बोलो टाइम कितना हुआ? शाबाश, बेस्ट ऑफ लक। अरे पिताजी आप तो कुछ खाए नहीं रहे, थोड़े चावल ले। अरे नहीं नहीं बहू, चावल खा खा के तो ये हाल हुआ है मेरा। भाभी मैं बताऊँ आज पिताजी को खाना क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्यों? क्योंकि माताजी ने नहीं बनाया, हमारे हाथों में इतना रस कहाँ। ऐसी बात है? अरे नहीं नहीं बहू, कितना खा चुका हूँ मैं, खाना बहुत ही अच्छा बना है। पिताजी मैंने आपके मनपसंद रसगुल्ले भी बनाए हैं। अच्छा, मेरी ये रोटी कौन मुँह में ठोसता है, जल्दी से ले आओ। मीठे के लिए पेट में जगह तो रखनी चाहिए ना। पिताजी अगर शादी के दिन रस्ते में हलवाई की दुकान आ जाती शायद आप लंगन मंडप में भी ना पहुंच पाते। ना पहुंच पाता तो तुम्हें इतनी अच्छी माँ कहाँ से मिलती? दादा जी जब आपकी शादी हुई थी तब हम कहाँ थे। मेरे ये बताना तो मुश्किल है। ये एक मैं भी लूंगी रसगुल्ला। निकी तूने सुबह ही तो खाया था, अब दादाजी को खाने दे। छी छी बहू, बच्चों के मुंह से छीन के खाना अच्छा नहीं, सिर्फ मुंह ही तो मीठा करना है। लो बेटे। मेरा जी आपके सामने खामखा जिद करते हैं। क्या पता नरेश, हमें ये सब इन बच्चों के नसीब से ही मिलता हो। पिताजी आप हाथ धो लीजिए, मैंने पान लगा के रख दिया। अच्छा बहू, हाँ मैं सिगरेट खरीदना भूल गया। पिताजी दो पैकेट गोल्ड फ्लेक के लाकर मैंने आपकी मेज पर रख दिए। अच्छा इसको भी खा ही लेता हूँ। बस भी कर ये ही खा।
ये क्या कर रही है माँ जी? हमारे होते हुए आप छूटे बर्तन उठाएंगी? ये नहीं, चुपके से खाना खाके सो जाए, बहुओं के मुंह लगता है, फिर उनसे 100 बातें सुनता है। सुबह बच्चों के कान खींचता हूँ। कौन? मम्मी, मैं हूँ प्रभु। आ गया। मामी, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तेरे हाथ को क्या हो गया? ये बाद में बताऊंगा मामी। सबका दिमाग इतना गर्म है कि मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैंने खाना खा लिया। मुझे बड़ी भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिला दे मामी, बड़ी भूख लगी है। तुम क्या करो मामा है? सो जा, तुम्हारा काम नहीं है। पहले पेट भर ले बच्चू, फिर खबर लेता हूँ तेरी। चुप भी करो, बेचारा सारा दिन का भूखा प्यासा घर आया है। लो, इसने एक लफ्ज बोला नहीं कि तुम भी इसकी तरफ हो गई। अभी अभी तुम ही तो शिकायत कर रही थी इसकी। वारे, मैंने कब की शिकायत? प्रभु, तूने बता नहीं ये तेरे हाथ को क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ मामी, वो साला, वो त्रिभुवन है ना, उसने अपनी साइकिल में साइकिल से भिड़ा दी, बस गिर गया रास्ते पे। ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा सरोज, तू जा इसके लिए खाना ले। थैंक यू मामा। देख प्रभु, तू ये साइकिल रेस का चक्कर छोड़ दे, आज जरा सी चोट लगी है कल हाथ पांव तुड़वाएगा। देखो मामा, तुम बड़ी दूर की सोचते हो, इतना सोचना छोड़ दो। जाने जिंदगी क्या करेगी इस पागल के साथ। क्या करेगी? ले प्रभु मामी, खाना खा ले। थैंक यू मामी, थैंक यू। देख प्रभु, तू वक्त पर आकर खाना खा लिया कर, फिर तुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मैंने तुझे 1000 बार कहा है कि मामी, ये दाल तूने बनाई ना, मुझे चखते ही पता लग गया। अरे इन भाभियों को फैशन से फुर्सत मिले तब बनाए ना खाना, और फिर बनाए भी कैसे, अभी तक किताब पढ़ के बनाती है खाना। हाँ मामी, एक बात बताओ, ये सब तुम्हारे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। हाँ अरे क्या चबड़ चबड़ कर रहा है? खाना आहिस्ते चबा चबा कर खा, वरना पेट में दर्द उठ जाएगा। और बकबक कम। मैं बकबक कम करता हूँ, तुम सिगरेट कम करो। 24 सिगरेट पियोगी ना दिन में? हाँ हाँ, तू खाना खा। हाँ हाँ, रात भर खासेंगे, और डॉक्टर को लाने मुझे जाना पड़ेगा। अरे ये फिर शुरू कर दिया? देखो मामा, तुम मुझे शांति से खाने दोगे या नहीं? मैं कहीं और जगह खाता हूँ मामा। अरे नहीं सुन, ओ अरे मेरी बात तो सुन। तुमने खामा खा बोल दिया, बेचारे को आराम से खाने दिया होता। सरोज, मैं सोच रहा था। तुम सोच नहीं रहे, सिगरेट फूंक रहे हो। लो भाई, लगता है किसी दिन कमबख्त ये सिगरेट छोड़नी ही पड़ेगी। सारी उम्र में पीछे पड़ी रही, फिर भी ये आदत नहीं छूटी, अब क्या छोड़ोगे? हाँ, तुम कुछ कह रहे थे ना? हाँ, वो बातों में भुला दिया ना। हाँ सरोज, घूमने चलोगे? क्या कहा, घूमने? इतनी रात गए? अरे नहीं भाई, मैं कह रहा था क्यों ना हम 10-12 दिन के लिए किसी हिल स्टेशन पर चले। वापस आएंगे तब तक वो प्रोविडेंट फंड का पैसा भी मिल जाएगा। चलना ही है तो हरिद्वार चलते हैं। लो कर लो बात, मैं सैर की कह रहा था और तुम तीर्थ यात्रा करवाने पे तुली हुई हो।
बात सुनो, तुम सठिया तो नहीं गए? क्या मतलब? इतनी अच्छी बात तुमने जिंदगी में पहले तो कभी नहीं की। देखो सरोज, याद मत दिला वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। भूल गई? पहली बार जब मैंने प्रोग्राम बनाया था तुमने गड़बड़ कर दी थी। मैंने गड़बड़ कर दी थी? अब इसको गड़बड़ ही तो कहेंगे, और नहीं तो क्या कहेंगे? मेरे पास सबूत भी है। सबूत? आपके हाथ का लिखा हुआ सबूत। यकीन नहीं हो रहा? मैं भी लाता हूं। मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो। शर्माती है। मुझे पता कैसे चलेगा? मैंने इसमें लिख दिया है, आप पढ़ लीजिए। अच्छा। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तुम्हारा पहला और आखिरी प्रेम पत्र है जो तुमने मुझे लिखा। तुम्हें अफसोस है इस बात का? जरा भी नहीं, बल्कि खुशी है। और फिर चिट्ठी पत्र तो वो लोग लिखते हैं जो एक दूसरे से अलग रहते हैं। सरोज, भगवान की हम पे बड़ी कृपा रही है, जिंदगी के आखिरी दिनों तक हम दोनों साथ रहे हैं। अब तो ऐसा कोई प्रेम पत्र लिखने का इरादा नहीं है ना? क्या मतलब? भाई, जब मैंने पहली बार बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया तो तुमने ये प्रेम पत्र लिखकर नरेश को हाजिर कर दिया। दूसरी बार हमारे रमेश जी तशरीफ ले आए। और फिर हमारी सबसे प्यारी गुड़िया सीमा जी पधारी। मैं लास्ट वार्निंग देता हूँ, लास्ट वार्निंग। कोई लड़की इस हॉस्टल में नहीं आएगी। कान खोल कर सुन लो, ये बॉयज हॉस्टल है, मींस लड़की को नहीं आना चाहिए। यस सर। सर ओके, मैडम नो, मींस नो। और खास तौर पे वो सीमा, वो बिजली, वो शरारत, उसे मैंने यहाँ देख लिया तो। May I come in? फिर लड़की क्या मुसीबत है। बॉयज, बॉयज गो, गो, कम इन। आप कौन हैं? मैं अजय की बुआ हूँ। बेबी जी, ये बॉयज हॉस्टल है, यहाँ लड़कियों का आना मना है। मैं लड़की थोड़ी हूँ, मैं तो बुआ हूँ। बुआ लड़की नहीं होती है क्या? बुआ बुआ ही होती है बेटा। मैं अंदर जाऊँ? अंदर कहाँ? अजय के कमरे में। अजय के कमरे में लड़की नहीं, नहीं जा सकती। आप नहीं जा सकती अंदर, आप लड़की हैं। अरे मैं तो बुआ हूँ। बुआ? हाँ। अच्छा, बुआ मतलब लड़की नहीं है। आप लड़की हैं, आप अंदर नहीं जा सकती, यहीं ठहरिए, मैं उसे बुलाता हूँ। अच्छा। रामू। यस सर। अजय को बुलाओ और बोलो उसकी बुआ उससे मिलने आई है। बहुत अच्छा सर। आप बैठिए। अब बताइए कैसी पढ़ाई चल रही है मुन्ने की? मुन्ना? ये मुन्ना कहाँ से आ गया? वही मेरा मुन्ना, प्यारा प्यारा मुन्ना अजय। अच्छा। बचपन में हम उसे मुन्ना कहते थे। अच्छा। आपको बचपन में क्या कहते थे? मुझे? हाँ? कालिया कल्लू। बड़ा प्यारा नाम है कल्लू। वैसे अजय पढ़ाई तो अच्छी करता है और लड़का भी अच्छा है। लेकिन वो, लेकिन एक लड़की है सीमा। ए? सीमा कौन? सीमा आफत, मुसीबत, शरारत है बुआ। बुआ? अरे मैं आपकी बुआ थोड़ी हूँ, मैं तो मेरे मुन्ने की बुआ हूँ। यस सर। ओ लीजिए, वो आ गया। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर इधर। अच्छा। आओ मुन्ना। अजय, तुम्हारी बुआ। मेरी बुआ? अरे मुन्ना,
कैसा मैं मुन्ना कैसा तू? क्या कर रही हो बुढ़िया? बहुत दिन बाद मिला है ना, भूल गया। मुन्ना तो मुन्ना ही रहेगा। अरे मैं तेरी अफ्रीका वाली बुआ हूँ। ओ अफ्रीका वाली बुआ, मेरी प्यारी बुआ, मेरी बुआ। बात चला लेती है। इधर आ। ये सीमा कौन है? सीमा कौन है? सीमा? हाँ। कौन सीमा? मैं किसी सीमा को नहीं जानता। झूठ बोल, झूठ बोल जाए। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। वो तुम्हारी पढ़ाई में रुकावट डाल, रुकावट डाल दिया। उसकी खबर लेनी चाहिए। लीजिए। चलो चलो मेरे साथ। हाँ हाँ ले जाइए, लेकिन सर मैं आपकी परमिशन के बिना। दिस इज माय ऑर्डर। हां ऑर्डर है। इनके साथ जाओ। यस सर। थैंक यू कल्लू। जीतते रहो जीतते रहो। चलो चलो मुन्ना चलो। अजय। यस सर। इधर आओ इधर आओ। कान इधर लाओ। यस सर। तुम्हारी बुआ की आंख में कुछ खराबी मालूम होती है, घड़ी घड़ी आंख मारती है। ओ यस सर। इस उम्र में ये बीमारी अच्छी नहीं है। नो 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 सर। जल्दी डॉक्टर के पास जाओ और इलाज करवाओ। यस सर। जाओ। थैंक यू सर। भाई तुम्हें सूजा क्या है? तुमने हुजा क्या बना रखा है? अरे देख लो, तुमसे मिलने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। कजिए तेरो में के लिए क्या था, क्या लला ने मजनू के लिए क्या था। अरे बॉयज तो क्या, मैं तो तुम्हारे लिए दादी से पड़ दादी। बस 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 रहने दो जी। क्यों जी? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक दिन मैं भी लड़की बनकर तुम्हारे हॉस्टल में आ धमकूंगा। रियली बहुत अच्छे लगोगे। उधर देखो, शर्म नाम को नहीं, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। माँ की उम्र की है लेकिन क्या उछल कूद कर रही है। अरे ओ चश्मिश, माँ होगी तेरी। पापा जी हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम तो इनसे बात कर रहे हैं। बैठो। अरे ये क्या करते हो? सीमा सबसे पहले अपनी ड्रेस चेंज करो। क्यों? अरे तुम्हें ये सब तमाशा अच्छा लगता है क्या? हाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ओ सीमा मैंने तो सुना था प्यार में सब कुछ अच्छा लगता है। जी हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये सब कुछ किया जाए। ठीक है मैं चलती हूँ। अरे तो भर दिल कैसे हाथों से जाए। Thank you.
तस्वीर है तू के प्यार की ऐसी तस्वीर है तू और तो बर जो प्यार करना सिखाए चलो जल्दी उठो गाड़ी छूटने वाली है पिताजी आप लोग पहली बार बाहर जा रहे हैं भले दो चार दिन लगाइएगा हम लोग ही फिक्र मत कीजिए चलो बेटा उठो चलो बेटा चलो 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 अच्छा मां जी जी दे दो पिताजी पहुंचते ही टेलीग्राम कर देना हाँ अच्छा मां अच्छा बेटा अच्छा तो मां चले जी दे रहो बेटी बाबू जी ठीक से अच्छा बेटे ख्याल रखना अपना अरे बुद्धू तू यहाँ क्यों बैठा है गाड़ी चलने वाली है नीचे उधर हाँ तो उतर दो ना अब मामी सामान के पास न गए हाँ उतरते वक्त गिन लीजिएगा हाँ। और सामान पे पूरा ध्यान रखिएगा आजकल चोरियां बड़ी होती है अच्छा अच्छा लेकिन तू उतरेगा कि नहीं उतरता हूँ पैसे तो संभाल के रखे है ना हाँ रख लिए पैसे हाँ हाँ रख लिए हाँ जो बड़े देते हैं और छोटे लेते हैं पैसे बुद्धू मैं तुझे समझ गया बदमाश ये ले 30 रुपये है मेरे आने तक काफी है ना ठीक है हाँ। इसकी जरूरत तो नहीं थी उतरता हूँ उतरता हूँ जल्दी आ जाना मैं तुम लोगों के बगैर क्या करूंगा मामी ठीक है हम आ जाएंगे तो फिक्र मत कर और तू भी साथ लिखना हां मैं नहीं लेकिन आप तो जल्दी आएंगे ना नहीं नहीं अरे पांच पांच नहीं नहीं गिरूंगा और चार समय में जल्दी आएंगे सुनो भाई ये गाड़ी यहाँ कितनी देर रुकी तीन मिनट चाय सुनो मैं जरा पानी लेके आता हूँ अभी जंग खींच देता भाई साहब जुर्माना भरने का इरादा है मैं समझा आप बाहर रह गए मैं पहली बार ट्रेन में सफर नहीं कर रहा हूँ बहन जी बहुत घबरा रही अब बैठिए चलो कहाँ रह गए थे मैं देख रहा था तुम अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो या नहीं हाँ
भगवान से। बिना मांगे ही भगवान ने सब कुछ दे दिया है, घर बार पर उसकी दया दृष्टि बने रहे, बस और क्या मांगती। अरे इतनी दूर से इतना पैसा खर्च करके हम आए हैं, कुछ न कुछ तो मांग लेती, कम से कम मेरे लिए कुछ मांग लेती। तुम्हारे लिए? हाँ। इसमें हंसने की कोई बात नहीं। नहीं नहीं वो बात नहीं, मैं सोच रही थी भला भगवान से, भगवान के लिए कोई मांगता है क्या? मैं भगवान हूँ? मेरे लिए तो हो। अच्छा भाई ठीक है, चढ़ा दो पेड़ पे। अच्छा अच्छा। बहुत दर्द हो रहा है। इस उम्र में शहर को निकलोगे यही तो होगा, उस पर मेरे जोड़ों का दर्द है। मैं पाँव दबा दूँ? छी पाप लगेगा। यार तुम बहुत सारी चीजें खरीद लाई हो, क्या क्या है? यही बहुओं के लिए साड़ियाँ, बेटों के लिए कपड़े, निक्की गुड्डू चंदू के लिए ये कपड़े। मैंने तो सिर्फ एक ही चीज खरीदी है, ये देखो। ये साड़ी तुम्हारे लिए, कैसी लगी? है तो बड़ी अच्छी, लेकिन तुम अपने लिए कुछ नहीं लाए। सरोज ये सब अपना ही तो है। पिताजी आपने वो ऑफिस के पेपर्स वगैरह तो रख लिए ना? हाँ बेटे रख लिए, अभी तक मेरी याददाश्त कमजोर नहीं हुई। मेरा मतलब है हम में से कोई एक आपके साथ चलता तो ठीक रहता। नहीं नहीं टैक्सी अभी तक आई नहीं। पिताजी आपने प्रभु को टैक्सी लाने भेजा है ना? हाँ। तो बस आ चुकी टैक्सी। पिताजी मैं जाके ले आऊं? अरे प्रभु तो आ ही गया। मामा टैक्सी इज हैज केम। पिताजी छाता लेके जाइए, बाहर धूप बहुत तेज है। अरे भाभी जी मामा के टैक्सी में छाता खोल के बैठेंगे? नहीं नहीं बेटी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी लौटते हुए टैक्सी पाइएगा, आजकल पैसे लेके बस पे सफर करना अच्छा नहीं है। हाँ अच्छा नहीं, मैं साथ चलूं? नहीं तो यहीं बैठ, मैं साथ चलूं। लो चलता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है पिताजी को कितने रुपए मिलेगा? मेरे ख्याल में 50,000 तक तो मिलना चाहिए। तो समझो कि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। क्या मतलब? क्यों भूल गए, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे एक फ्लैट खरीद दोगे। कहा तो था मगर इन पैसों में रमेश का भी तो हिस्सा है। रमेश का हिस्सा? रमेश के पास तो अच्छा खासा काम है, रहने को घर है, वो पैसों का क्या करेगा? मुझे कश्मीर ले चलोगे ना? मैं तो रुपया लेकर कोई बिजनेस शुरू करूंगा। लड़की में क्या रखा है? एक बात बताओ, तुम्हारे बड़े भैया बहुत होशियार हैं, वो जरूर पिताजी को कोई उल्टी पट्टी पढ़ा देंगे। मैं भी दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। सच कह रहे हो? सुनो पिताजी को आने तो मैं उन्हें समझा दूंगा, एक बार मेरा बिजनेस चल निकला फिर हम लोग हर साल कश्मीर जाया करेंगे। सच? आ जाओ बच्चों। दादाजी हमारे लिए क्या लाया हूँ? बेटे सबके लिए लाया हूँ, ये देखो चॉकलेट तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए भी है ये, और बेटे ये तुम्हारे लिए कैरम बोर्ड भी लाया हूँ। अरे क्यों परेशान कर रहे हो दादाजी को, देखते नहीं थक्कर आए हैं, जाओ जाके बाहर खेलो। जाओ। और बहू ये तुम्हारे लिए साड़ी है, और ये छोटी बहू आ गई, ये लो। आप हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। पिताजी सब ऑफिस का काम ठीक ठाक हो गया ना? हाँ नरेश क्या बताऊं, आज ऑफिस वालों का प्यार देखकर आंखें भर आई। जब मैं वहां पहुंचा
तो सारे कागजात तैयार थे, सिर्फ दस्तखत करने की देर थी। आज वो रिश्ता भी तोड़ आया। पिताजी थक गए होंगे, उनके लिए चाय वाय तो ले आओ। हाँ भाई, चाय पीने की बहुत इच्छा। मैं भी लाई। खैर भाभी, मैं लेकर आती हूँ, आओ साथ चलो। सीमा की माँ कहाँ है? ये रही सीमा की माँ, आने में इतनी देर कर दी। कुशल से सब काम हो गया ना? हाँ हो गया, यूँ समझो गंगा ना आया। पिताजी पैसे कितने मिले? कुल मिला के 41,500 कुछ ऐसी रकम थे। मैंने सोचा ये लक्ष्मी देवी बड़ी चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ, फौरन उनको उनके घर पहुँचा दो। क्या मतलब? बस बेटे यूँ समझो, इज्जत गिरवी रखी थी, आज छुड़ा लाया। अब मैं चैन की सांस ले सकता हूँ। पिताजी आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया। देखो बेटे, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। मैंने आज तक जो भी 4 पैसे कमाए हैं ईमानदारी के थे, पूरे नहीं पढ़ते थे। तुम्हारी पढ़ाई, रमेश की पढ़ाई, तुम दोनों की शादी, आए दिन का खर्चा, बेटे कर्ज लेना पड़ता था। आज मैं सबसे पहले उस रकम से सारा कर्जा चुकाया। मैंने कोई बुरा तो नहीं किया? ठीक है, आप घर के बड़े हैं, तुमने बहुत अच्छा किया। कर्ज सबसे बड़ी लानत है। सचमुच आज तुम गंगा नहाए। बस अब सीमा बेटी का हाथ पीले करने हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो सरोज? अरे हमारे दो दो जवान कमाओ बेटे हैं, तुम देख लेना ये किस धूमधाम से अपनी बहन की शादी करेंगे। देखो भाई, हमसे जो हो सका हमने कर दिया, अब इस घर का सारा बोझ हमारे ये दोनों बेटे संभालेंगे। क्या सोच रही हो? मैं ही सोच रही हूँ अजय, कि तुम्हारे माता पिता ने ना तो मुझे कभी देखा है और ना ही मेरे बारे में कुछ जानते हैं। देखा तो नहीं है लेकिन जानते जरूर है। वो कैसे? अपने हर खत में मैं तुम्हारे बारे में लिखता रहता हूँ ना। वो मुझे पसंद कर लेंगे? तुम मेरे माता पिता को जानती नहीं, गरीब जरूर है, बहुत बड़ा दिल है उनका। हाँ लेकिन शादी से पहले एक बार सोच लो, हमारे घर में रूखा सूखा खाना पड़ेगा, सारा काम घर का खुद करना पड़ेगा और एक ही कमरे में सबके साथ रहना पड़ेगा। ये मुझे पसंद नहीं। क्या मतलब? एक ही कमरे में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर कहाँ रहने के ख्वाब देख रही हो? तुम्हारे दिल में। अरे क्या मरियल चट्टू की तरह धीरे धीरे चल रहे हो, तेज नहीं चल सकते हो क्या? अरे मुझ पे कौन सा भूत सवार है जो भागता फिरूं? तुम्हें मोटापा कम करने से भागो। पता नहीं बचपन में तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या कड़वी चीज खिलाई, कभी भी तुम्हारे मुंह से मीठी बात नहीं निकली और तुम्हारे मुंह से फूल बरसते। चलो हटो भी, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगती। मत लगो। अजी सुनते हो? क्या है, जरा सा एक्सरसाइज भी नहीं करने देते। अरे शुक्ला जी कहाँ? आओ जरा मिलके आते हैं। अरे अरे अरे, लेकिन दादी माँ तुम्हारी थोड़ी खेल रही थी। अच्छा अच्छा, तुम लोग बस। लीजिए सरोज, तुमने क्रिकेट से तो आउट कर दिया, जिंदगी से आउट मत करना। वाह शुक्ला वाह, नमस्ते भाभी, जवानी में टीम बनाई, बुढ़ापे में खेल रहे हो। बड़े खुश नसीब हो यार। डॉक्टर तुम भी खेला करो, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बाल बच्चे तो है नहीं, ले दे के मियां बीवी हम कबड्डी खेल सकते हैं। सुन लिया भैया इनकी बातें? ये तो बताओ तबीयत वगैरह कैसी है? भगवान की दया है भाभी, अब तो रिटायर हो गया हूँ, बस ये छोटा सा संसार है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इससे बड़ा स्वर्ग और क्या होगा। सच कह रही हो भाभी, मैं तो नर्क में जी रही हूँ। क्यों भाई है? मैं तुम्हें कोई यमदूत दिखाई देता हूँ। छोड़ो डॉक्टर, चलो घर चलते हैं, एक कप चाय हो जाए। नहीं भाई अभी तो नहीं,
अभी चलते हैं, अभी तो जरा इनको एक्सरसाइज करनी है। अरे धन्य महाराज, सुधर जाओ। अच्छा भाई, अच्छा जी, आओ बच्चों घर चलते हैं। आओ पहन लो चप्पल। दादाजी आपकी चप्पल। क्या बात है, सब चुपचाप है, कोई बोल नहीं रहा, तो खाना क्यों नहीं खा रहा? दादाजी मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, रसोई ये दाल रसोई ये सब्जी। चंदन जो खाना थाली में पड़ा है चुपचाप खा ले। मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। ये ले। बच्चों की आदत ही बिगाड़ दी, किसी की सुनते ही नहीं। चल बहू, चल बच्चे को खाने भी दो। तुम आदमी हो या कसाई? बच्चों को क्या कोई इस तरह मारता है? प्रभु तुमको बीच में बोलने के लिए किसने कहा? ठीक है मामी, मामा के खाने में बाल है। इधर है। चावल में। बहू खाना पकाते वक्त जरा ध्यान रखा करो। मैं हाथ धो लेता हूं। मुझे तो आज भूख नहीं। मामा तुमने कुछ कहा है क्या? सब लोग तो ऐसे खाना खा रहे थे जैसे होटल में खा रहे हो। तो चुप रहे, अपना काम कर। अपना काम तो हो गया, हाउसफुल। लेकिन मामा चुप, तुम अपने बाल बच्चों को लेकर बंबई चले जाओगे? अरे भाई इनके अपने हाथ में थोड़ी ही है, ऑफिस से ट्रांसफर हुआ है। सदा मुझे बात करने दो। रमेश ट्रांसफर की खबर सुनकर मुझे भी हैरानी हुई थी, नहीं मैं इसके हक में था, लेकिन उन्होंने मेरी तरक्की इसी शर्त पे की है कि मैं बंबई वाले ऑफिस में काम करूं। पिताजी और माँ भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं ना? नहीं रमेश, वहां एक छोटा सा फ्लैट है और फिर नई जगह है, हमारा गुजारा कैसे होगा हमें खुद मालूम नहीं। लेकिन भैया तुम हमारी हालत तो जानते हो ना, पिताजी के रिटायर होते ही हम दोनों इस घर का खर्च चलाते हैं, अब तुम भी चले जाओगे तो सारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम लोग हैं, पिताजी हैं, माँ हैं और प्रभु भी है। अरे भाई हमारी कौन सी वहां मिल चल रही है, और फिर बंबई का खर्चा तो यहाँ से 10 गुना ज्यादा है। आप लोगों का गुजारा तो कैसे भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग भी तो मजबूर हैं। ओफो, भाभी तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। रमेश लेट अस बी प्रैक्टिकल, इस प्रॉब्लम को हम दोनों को ही सॉल्व करना है। मुझे मालूम है इस समय तुम इस पोजीशन पे नहीं हो कि माँ और पिताजी को अपने साथ रख सको, और इस वक्त मैं भी इस पोजीशन पे नहीं हूं कि दोनों को अपने साथ ले जा सकूं। इसका एक ही तरीका है, तुम पिताजी को अपने साथ कुछ दिन के लिए रख लो और माँ को मैं ले जाता हूं। सुनिए मैं चाहती हूँ इस दिवाली पर बहुओं को कंगन बनवा दूं। वो जो मेरा हार है ना उसे तुड़वा कर बनवाऊंगी। मेरी तो अब उम्र नहीं रही, बहुएं पहनेंगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन अब नरेश ने इसे कहना नहीं वरना वो मना कर देंगे, कहेंगे नहीं माँ वो तुम्हारा हार। अरे आओ बैठो। पिताजी वो नरेश भैया ने कुछ बात की आपसे? नहीं तो कौन सी बात। रमेश तुम यहां बैठे हो? हाँ बेटे। क्या बात है बेटे? रमेश तुमने पिताजी से बात नहीं की? नहीं भैया। अरे कुछ बताओ तो सही, बात क्या है? कहो तो बेटे। पिताजी मेरी तरक्की हो गई है। अच्छा, और बंबई मेरी ट्रांसफर हो गई है। वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मुझे रहना भी वहीं होगा। अरे ये तो और भी खुशी की बात है, तेरा अपना घर होगा। लेकिन तुम मुंह फुला के क्यों बैठो? मैं बताती हूँ, वो हमें छोड़कर जाना नहीं चाहता। अच्छा। अरे पगले बंबई कौन सा दूर है, जब भी जी उदास हो जाए गाड़ी पकड़ कर चले आना। वो तो ठीक है माँ, लेकिन नरेश भैया चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ जाओ। मैं बंबई जाऊंगी और तेरे पिताजी यही रहेंगे? हाँ माँ पिताजी को यही रहना होगा।
मैं सिर्फ आपको ले जा सकता हूं। पिताजी आप तो जानते हैं मेरी तनख्वाह बहुत कम है, मैं सबका खर्चा कैसे उठा सकूंगा? हम लोग तो सिर्फ खर्च बांटने के लिए सब कर रहे हैं और वो भी कुछ ही दिनों के लिए। कुछ ही दिनों के लिए? कुछ ही दिनों के लिए तो हम दोनों को नहीं रख सकते, हम बोझ हो गए हैं क्या? हाँ 25 साल तक हम दोनों ने साथ मिलकर तुम लोगों को पाला पोसा बड़ा किया और अब तुम सब मिलकर हम दोनों को कुछ सालों के लिए साथ नहीं रख सकते। पिताजी आप गलत समझ रहे हैं, आजकल की महंगाई देखते हैं। हाँ बेटा हाँ, मैं तो भूल ही गया था अब मैं कमाता नहीं हूं ना, हम दोनों का खर्च हमारे बेटों पर है। सरोज अब हम अपने बेटों के मोहताज हो गए हैं। नरेश नरेश तुम लोग इस उम्र में हम दोनों को अलग करोगे? हा? मेरे बिना इनको कितनी तकलीफ होगी, इनका ख्याल कौन रखेगा? माँ हमारी भी मजबूरियां। रहने दो सरोज, रहने दो। अब इन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, ये पहले से ही फैसला कर चुके हैं, इसमें इनका भी कोई कसूर नहीं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम दोनों अभी 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 तक जिंदा है और वो भी ये दिन देखने के लिए। ठीक है बेटा जो तुम्हें सही लगे वही करो, अब तो तुम्हें इस घर के बड़े हो। संभाल के रखना उस बाजू। सुधा कितने नग है? 22। प्रभु सारा सामान आ गया ना, जरा ठीक से गिन लेना। देखो तुम अपना ख्याल रखना, सर्दी शुरू होने वाली है, मैंने तुम्हारे सारे गर्म कपड़े इस पेटी में रख दिए हैं ताकि तुम्हें ढूंढना न पड़े। तुम्हें भी तो जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है, दवा हमेशा पास रखना। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। और हाँ तुम्हारी याददाश्त के लिए मैंने इसमें सब लिख दिया है, अगर भूल जाओ तो एक बार पढ़ लेना। और चिट्ठी लिखना ना भूलना। शिकायत थी ना कि मैं खत नहीं लिखती, अब मैं हर हफ्ते खत लिखा करूंगी। हाँ सरोज अब चिट्ठी का ही तो सहारा रह गया है। मां चलो देर हो रही है।
चंदू कहाँ है? चंदू दादी के पहुंचो। पिताजी का ख्याल रखना है। कितनी बढ़िया फोटोग्राफ आई है सर, सचमुच हैप्पी फैमिली सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या हुआ? मेरे माता पिता जो जिंदगी में कभी पल भर के लिए अलग नहीं हुए, मेरे भाइयों ने उनका बंटवारा कर दिया। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक तू लिखा है कि वो बहुत खुश हैं, छोटी बहू उनका बहुत ख्याल रखती है। मैं वो पढ़ रही हूं अजय जो इस खत में नहीं लिखा है। हाँ सी, तुम ठीक कहती हो। क्या पत्थर का कलेजा होगा उनका। माँ बाप जो बच्चों के लिए करते हैं, अगर हम सात जन्म भी ले लें ना तो उनका कर्जा नहीं चुका सकते। और फिर इस उम्र में तो उन्हें आराम की, सेवा की, एक दूसरे के साथ की जरूरत है। अजय, मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपना पेट काट काट कर मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। अजय, मैं सिमटन के बाद पढ़ाई छोड़ दूंगी। अब वो मेरा खर्च कैसे बर्दाश्त करेंगे? ना जाने ऊपर क्या गुजरती होगी। भाभी, मामा को चाय दी? देती हूँ। ठीक है बदतमीजी। जब मामा कमाता था तो अखबार सबसे पहले वो पढ़ता था, सबसे पहले चाय वो पीता था। और अभी प्रभु तुझे कितनी बार कहा है मेरे लिए झगड़ा मत किया कर। पर मामा, ये क्या तरीका है प्रभु? देखा, बिना चाय पी ही वो ऑफिस चले गए।
पिताजी को तो कहीं नहीं जाना है, मैं उन्हीं के लिए तो चाय बना रही थी। तो कौन सा एहसान कर रही थी? अगर मामी यहाँ पे होती तो तुम्हारे हाथ की चाय मामा को कभी नहीं पीने देता। कितना ख्याल रखती थी मामी मामा का, है ना मामा? पता नहीं फर्नीचर वाला कब। अरे माँ जी, ये सब्जी तो सब ऐसी पड़ी, अब क्या होगा? निजी गुड्डू का नाश्ता तैयार कर रही हूँ बहू, उनकी बस निकल जाएगी। मां जी मैं क्या करूं, इनको भी फर्नीचर आज ही मंगवाना था, बस बिना पूछे हुक्म चला देते हैं। मैं क्या करूं, मेरे दो हाथ तो हैं। बहू तुम उधर का ध्यान दो, मैं सब कर लूंगी। देखा भूल गई, दही बड़ों के लिए दाल पीसनी थी। अरे वो तो मैंने सुबह 4 बजे उठकर पीस दी थी। थैंक यू मां जी। देखिए मां जी, आज मेरी इज्जत आपके हाथ है। पिछले हफ्ते जब मिसेस पंड्या के यहाँ काट का सेशन था ना, तब उन्होंने इतनी चीजें बनाई थी कि खा खा के मर गए थे। अब अपन कहाँ इतनी सब चीजें बना सकते हैं, फिर भी दिखावे के लिए ना 4-5 चीजें तो बनानी ही पड़ेंगी। मम्मी मम्मी, पापा बोलते सामान आ गया। ओफो, इस घर में तो 1 मिनट का चैन नहीं, एक कप चाय तो पीने दो। तू जा, मैं आती हूँ। तब नाश्ता, नाश्ता। अरे अरे संभाल के रहने दो, बिल्कुल स्टोर फोड़ दोगे, हम लोग कर लेंगे, जाओ तुम। कुछ चाय पानी के लिए साहब? अरे क्या क्या चाय पानी, चलो भागो यहाँ से। एक तो इतनी देरी से आते, ऊपर से चाय पानी। अच्छा सुधा मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। डार्लिंग आप तो हर बात भूल जाते हैं, याद नहीं आज अपने यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं? आज आपकी कितनी पार्टी है? शुक्र है आपको याद। तो अरे ये पिताजी की तस्वीर यहाँ किसने रखी? माँ ने रखी होगी। तो आप एक काम करो प्लीज, ये ले जाके माँ के कमरे में रख दो। नहीं सुधा, इसे यहीं रहने दो, खामखा माँ को दुख पहुंचेगा। भाई मैं रखने के लिए कहाँ मना करती हूँ, लेकिन डार्लिंग हर चीज की अपनी जगह होती है। अब अभी देखो, देखो ना ये फ्रेम कितना पुराना है, यहाँ अच्छा लगेगा? यहाँ तो है ना, आपकी मेरी तस्वीर अच्छी लगेगी। देखो हाँ, ये रही आपकी तस्वीर और यहाँ पर मेरी तस्वीर। शादी से पहले मैं कितनी खूबसूरत लगती थी। वो तो अब भी लगती हो। रहने दो, बच्चों के बाद तो मेरी फिगर ही खराब हो गई है। ऐसा करो तुम फिगर ज्वाइन कर लो, फिगर देख के तो मैंने तुमसे शादी की थी। चलो उठो अभी, जाओ काम करो। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अच्छा अच्छा पिताजी की तस्वीर। माँ जी पता नहीं किसने इतनी लापरवाही से इतने कोने पर रख दी थी, मेरा हाथ लगा और गिर पड़ी। बहू ऐसा भी क्या, हम भी घर का काम काज करते हैं, हमसे तो कभी घर की कोई चीज नहीं टूटी। ऐसा भी क्या गजब हो गया माँ जी, कांच ही तो टूटा है, तस्वीर को तो कुछ नहीं हुआ ना, मैं नया फ्रेम लगवा दूंगी। माँ देखो खून निकलाया, तुम रहने दो सुधा उठा लेगी और दवा लगा। अरे कुछ नहीं हुआ बेटे, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे ऑफिस का वक्त हो चुका है। माँ तुम घबराओ नहीं, मैं नया फ्रेम लगवा दूंगा। रहने दे बेटे। लाइए तस्वीर दीजिए। रहने दो बहू, नया फ्रेम लगाने से तस्वीर नई तो नहीं हो जाएगी, फिर मुझे फ्रेम का क्या करना। तस्वीर तो है ना, बस मेरे लिए यही काफी है। ये लो बहू 1.5 रुपया, ये 1 रुपया और ये 8 आने। पिताजी मैंने आपको 30 रुपए दिए थे, ये हिसाब तो सिर्फ 26 रुपए का है। 26? अरे हाँ हाँ बेटी, मैंने 2 पैकेट सिगरेट के खरीद लिए थे। तुम तो जानती हो बेटी, ये कमबख्त ऐसी आदत है, चाहने पर भी नहीं छूटती। पिताजी आपको कुछ तो सोचना चाहिए, कि खाने वाले 4-4 और कमाने वाला 1, इस तरह पैसा फालतू खर्च होता रहा तो घर कैसे चलेगा। और सुनाओ, वही पेट की गड़बड़? भाई ये पेट की गड़बड़ हुई कि 10 बीमारियां और साथ आ जाती, और ऊपर से ये 3-3 पैकेट सिगरेट के। नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ है। दरअसल बात यह है कि मैं क्या वो मैं शर्माओ नहीं भाई, अरे भाई डॉक्टर होने के साथ साथ मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। डॉक्टर मुझे एक फोन करना है। हाँ तेरे की, तो इसमें पूछने की क्या बात है? नहीं, लोकल कॉल नहीं,
बॉम्बे कॉल करना है। बम्बई? अच्छा अच्छा, भाभी की याद आ रही है, बचपन की आदत गई नहीं तुम्हारी। यार मेरे, तुम तो भाभी के लिए ऐसे तड़प रहे हो जैसे अभी अभी ब्याह के लाए हो। इसमें खांसने की कोई बात नहीं है भाई, सिगरेट कम करो, सिगरेट कम करो। एक बात और है डॉक्टर। बोलो। इस कॉल के लिए मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है। शुक्ला, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? ये कोई सरकारी टेलीफोन भवन नहीं है, ना ही किसी बनिया की दुकान। तुम मेरे दोस्त हो यार, इतनी छोटी बात करने से पहले जरा सोच तो लिया होता। माफ करना डॉक्टर, गरीबी में कपड़े का दामन तो क्या, दिल का दामन भी बहुत तंग हो जाता है। मैं समझता हूँ। अरे भली मानस, सुनते हो? अरे सुनते हो कि नहीं? राम 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 राम, क्यों गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहे? बोलो क्या काम? नमस्ते भैया, बोलो क्या काम है? अरे भाई ऐसे ही आवाज दे दी, तुम्हारी सूरत देखे घंटा भर बीत चला था, इसलिए मालूम करने के लिए कि तुम इधर ही हो ना। अरे इधर ही नहीं हूँ तो और कहाँ भाग गई थी? जब जवानी में नहीं भागी तो बुढ़ापे में क्या रखा है? वो तो मैं जानता हूँ, कुछ नहीं रखा, मगर चाय तो बना सकती हो। शुक्ला जी आए हैं। हे भगवान, एक कप चाय बनवाने के लिए इतना लंबा चौड़ा रामायण सुनाने की क्या जरूरत थी? छी छी छी, कभी नहीं सुधरेंगे, बुद्धि भ्रष्ट हुई है। मैं जानता हूँ तुम फोन करने के लिए बेताब हो रहे होगे, दो मिनट की बात है, तुम्हारी भाभी चाय बना के आती होगी, जब तक गपशप मारते आओ बैठो। हेलो मिसेस पंड्या ने तो पता न देने की कसम खा रखी है, इनके हाथ के नीचे बैठ के ना मैंने अपना सत्यानाश कर लिया। सुन लो शशि, मैं तो खेल में अनाड़ी हूँ, कभी कभी तो जो कर ही फेंक देती हूँ। लगता है मिसेस पांड्या ने आज दही खाई। देखना अब ये बर्तन कोई नहीं उठाएगा, इस घर में काम करने वाला कोई है ही नहीं, जब तक 10 बार न चीखो कोई सुनता ही नहीं। उठाए देती हूँ, उठाए देती हूँ। चलने रमा, कितनी देर लगाती है? मुझे नहीं चलना है, मिसेस पांड्या को चलना है। ये भाई ओहो ना, बताए मुझे, आप फिर से पता नहीं देंगी। आजकल अच्छे नौकर मिलते कहाँ है, और फिर जो मिलते हैं पक्के चटोरे होते हैं, तरमल अंदर कर लेते हैं और फिर बचा कुछ हमें खिलाते हैं। भाई कुछ कहो सुधा, तुम्हारी नौकरानी ने दही बड़े कमाल के बनाए हैं। बिल्कुल सुधा, कहीं से चोरी की आदत तो नहीं? तोड़ो तोड़ो, सब बर्तन तोड़ दो, एक मेरे सर पे भी फोड़ो। सुधा बेचारी बुद्धि है, यही तो चाहिए था, कब से बैठी थी एक पत्ते पे। चलो गिनो, छुट्टी हो गई, तुमसे चार जोकर लिए बैठी थी। रियली? जान मेरी, मेरा पति तुम्हारे पति की तरह लाखों नहीं कमाता, बेचारा दफ्तर में कलम घिसता है। चलो गिनो, मैं देखती हूँ फोन। हेलो, हाँ जी जी, एक मिनट, गुड्डू निक्की, तुम्हारे दादाजी का फोन है, अंदर से बुलाओ। चलो कौन की मैं, कितने में? एक डील किसकी है? मेरी डील। चलो जल्दी डील। हेलो सरोज। हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ अच्छी हूँ। हाँ निक्की गुड्डू भी अच्छे हैं। सुनो, बहू और नरेश तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? बहुत ख्याल रखते हैं, खाने पीने के सिवा और कुछ काम ही नहीं, दिन भर चौकड़ी मारकर बैठी रहती हूँ। और आप तो ठीक है ना? मुझे क्या हो सकता है, एकदम मस्त राम की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना मेरा दिल रखने के लिए? सरोज तुम जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। खाओ मेरी कसम। तुम औरतों की यही मुसीबत है, बात बात पे कसम दिलाती हो। खाओ मेरे सर की कसम। बाबा तुम्हारी कसम बस। सरोज तुम वहां अकेली कैसे रहती होगी? पहली बार? सारे दिन एक जैसे नहीं रहते जी, किसको दोष दोगे?
थोड़े दिन तो रह गए हैं। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? खांस रही हो? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। सुनो, ठंड शुरू हो गई है, ट्रंक से कोट निकाल कर पहन लेना, और उसमें ना मफलर भी पड़ा है। सुन रहे हो ना? और देखो, नंगे पर घर में कभी नहीं घूमना, मोजे पहन कर रखना। सुन रहे हो ना? तुमने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? तुम्हें तो मालूम है मुझे चिंता लगी रहती है। सुनो सरोज, मैं किसी तरह कल बॉम्बे आ रहा हूं। क्या तुम आ रहे हो? तुम्हारे बिना जी नहीं लगता मेरा। जरूर आना, जरूर आना। एक नजर देखने को मन करता है। जरूर आना। क्या? हाँ, क्यों फोन? सुधा, ये अच्छा नहीं किया तुमने। जाने अनजाने हमने क्या कुछ कह दी। सुधा, हम नए फैशन के जरूर हैं, मगर अपनी सास को नौकरानी नहीं समझते। दादी माँ, तुमको पत्ते खेलने आते हैं? नहीं बेटी। देखो मैं बताती हूँ, ये बादशाह, ये रानी, ये गुलाम, ये पापा, मम्मी, तुम। रमेश जी। पिताजी। बेटे, कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी है। पिताजी, आपको पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? बेटे, सोच रहा था मैं बम्बई हूँ, बच्चों की सूरत देख लूँ और तुम्हारी माँ से भी मिलाऊंगा। आज ही तो आपने माँ से फोन पर बात की है, और फिर माँ कोई पराए घर में थोड़ी रहती हैं, नरेश भैया के पास रहती हैं। फिर भी बेटे मैं। पिताजी, इस महीने तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं, आप तो घर का खर्चा देख ही रहे हैं, अगले महीने में मैं जरूर कर दूंगा। अच्छा, अरे अपने सब हम दे दो, दे दो। अरे
हते सब दुख हो जाए छू छू उड़न छू ए उड़न छू उड़न छू कर देंगे हंगामा जी हते सब दुख हो जाए छू छू उड़न छू ए उड़न छू उड़न छू मामा जी ओ मामा जी बोले तारे मामा जी अरे मामा जी ओ मामा जी बोले तारे मामा जी अरे मामा जी ओ मामा जी जीते रहो बेटे, तेरे मामा नहीं आए? अरे वो तो आ ही रहे थे, लेकिन मैंने तुझे बहुत दिन से देखा नहीं था ना, बस इसलिए साइकिल पकड़ी हुई चला है। ये उंगली को क्या हुआ? ओह, ये तरकारी काट रही थी ना, जरा सी चोट आ गई। नहीं देख तेरा हाथ तो बुखार से तप रहा है। प्रभु तुझे आज दो मिनट नहीं हुए अपने मामा की तरह सवाल करना शुरू कर दिया। पहले ये तो बता तेरे मामा की तबीयत कैसी है? बहुत मजे में है, अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, अपनी ब्रेन का सूटा लगाते हैं।
अरे गीता का पाठ भी करते हैं। लेकिन तेरी हालत देखकर तो लग रहा है कि लाडो रानी खूब सेवा कर रही है तुम्हारी। प्रभु तू ज्यादा बकबक मत कर, कहीं बहू ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तू अंदर चल। मैं क्या उनके मायके वालों का खाता हूँ जो उनसे डरूं? तो चुप भी करेगा या नहीं? चल अंदर चल चल। वाह 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 वाह, नौकरों का कमरा खाली करके दे दिया आपको। गुलाट साहब घर पे हैं? प्रभु मैंने तुझे मना किया है ना। मामी क्या तू मुझे अंधा समझती है, मुझे पागल समझती है? मैं इतना पागल नहीं हूँ। तेरी सूरत, तेरे कपड़े देख, ये तेरे। प्रभु प्रभु तू अपने मामा से कुछ ना कहना। क्यों? मैं मामा से सब कहूंगा, सब कुछ कहूंगा। देख प्रभु तुझे मेरे सर की कसम, अगर तूने इस बारे में अपने मामा से कुछ भी कहा। ठीक है मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो देखा है जो समझा है कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वो लाड साहब के बच्चे को दो हाथ दिखा के जाऊंगा। प्रभु प्रभु सुन तो। नरेश नरेश कौन है? कौन? प्रभु तुम कब आए? खूब सेवा कर रहे हो अपनी माँ, चार दिन में क्या हाल बना दिया, शर्म नहीं आती? तुम कौन हो जो बोलने वाले? वाह वाह, बंबई आते ही खून सफेद हो गया। आज मैं कौन होता हूँ, कल अपनी माँ को बचाने से इंकार कर दोगे? काम करो, सारी जिंदगी पर हम पर बोझ बने रहे, कभी एक पैसी कमाई की है? हमारा ही खाते रहे। अरे तुम मुझे क्या खिलाओगे, अपने मामा मामी का खाता रहा हूँ, वो कमाते रहे और खिलाते रहे। तुम अपने माँ बाप को नहीं खिला सके, मुझे खिलाओगे? राम सीता की जोड़ी को अलग कर मुझे खिलाओगे? प्रभु अब जुबान मत खोलना नहीं तो थप्पड़ दूंगा। अरे देखता हूँ मेरे भी दो हाथ है जोरू के गुलाम। प्रभु प्रभु चलो जाओ, से मैं जान से मार दूंगा। निकल जाए यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जाए यहाँ से। फिर कभी दरवाजे में कदम रखा तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। निकल जा, मैं कहती हूँ निकल जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। मामी, तुमने मुझे मारा, आपने प्रभु को मारा, मामी मुझे मारा। बेटा है ना, मैं कोई नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं ना, तुम्हारा बेटा नहीं। देखो बगैर बताए चले जाते हो, इधर मैं परेशान रहता हूं, दिन भर घूमना आवारा गर्दी करना, न किसी का डर न किसी का लिहाज। अच्छा बताओ कहां गए थे तुम? अरे बकते क्यों नहीं हो, कहां गए थे तुम? बंबई गया था। बंबई गया था? तो बंबई गया था? हाँ मामा। चलो इधर बैठ। अपनी मामी से मिला था? नहीं मिला। अरे फिर बोलता क्यों नहीं? कैसे है तुम्हारी मामी, कोई तकलीफ तो नहीं उसे? अरे ये गधे की तरह सर क्या हिला रहा है, बोलता क्यों नहीं?
मामी इज बैड? क्या मतलब? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? अरे हुआ क्या उसे? नहीं कोई खास बात नहीं है, लेकिन मामी को तुम्हारी हर वक्त चिंता लगी रहती है। भांजी ये बोल नहीं सकता था तू। कैसे बोलता? बोलने से कसम टूट जाती ना, इसलिए लिख के दिया है। तुम तो समझते नहीं हो मामा। प्रभु देखो कल सुबह चंदू की फीस भरनी है, याद से मुझसे ले लेना वरना जुर्माना भरना पड़ेगा, समझे? भूलना नहीं। अच्छा भाभी जुर्माना भरना पड़ेगा, जाके स्कूल में फीस भर दो। पत्नी से मिलने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़ती है क्या? वाह बड़े ठाट है तुम्हारे, अब तो तुम शहर की हो गई हो, बस हमें गांव के रहे। कहाँ है हमारे सुपुत और बड़ी बहू? कहाँ? बाजार गए हैं, आते ही होंगे। और अपने गुड्डू और निक्की दिखाई नहीं दे रहे? वो बाहर खेल रहे हैं। अच्छा सब बाहर घूमने चले गए हैं और तुम यहाँ अकेली काम कर। सुनो तुम सफर में थक गए होगे, आओ मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। आओ कहाँ? अरे भाई इतना बढ़िया कमरा है और तुम मुझे रसोई घर में ले जा रही हो? और सुनो इतने पैसे खर्च करके मैं यहाँ चाय पीने नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे बातें करने आया हूँ। हाँ मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम थोड़ी देर मेरे पास बैठो। आओ आओ तो सही आओ। चलो कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। प्रभु बता रहा था। तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। तेहिनो दिवसा गता। सचमुच अब हमारे वो दिन नहीं रहे। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही सरोज, अपने बच्चों पर विश्वास करके हमने कोई गलती तो नहीं की? कुछ फायदा है यही समझ लो, अपनी किस्मत में सुख नहीं लिखा था, चाहो तो समय का फेर समझ लो। हाँ सरोज हम अपनी जिंदगी जी चुके हैं, लेकिन सरोज मुझे इस बात का गम नहीं है कि मुझे वक्त पे चाय नहीं मिलती, रोटी अच्छी नहीं, सिगरेट के टुकड़े कर करके पीने पड़ते हैं। मैं सारे गम बर्दाश्त कर सकता हूँ, सारी तकलीफें सह सकता हूँ, लेकिन तुमसे अलग होकर मैं नहीं रह सकता। ऐसी बातें करके तुम मुझे भी रुलाओगे? छोड़ो चल
जरूर। चलो बाहर घूमने चले हाँ? पुराने दिनों की तरह। और मैंने हरिद्वार में जो तुम्हें साड़ी खरीद के दी थी ना हाँ? वो पहन। हाँ? अच्छा अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। एक्सक्यूज मी, नरेश साहब घर में हैं? जी नहीं, वो तो बाहर गया है। लेकिन आप आइए, अंदर आइए, बस अभी आता ही होगा वो। बैठिए, कुछ काम था उससे? बस उनका शुक्रिया अदा करने आया था, उन्होंने हमारा बहुत बड़ा काम निपटा दिया। अच्छा जी, ये सुनकर तो बड़ी खुशी हुई। दरअसल हर बाप को अपनी औलाद की तारीफ सुनकर खुशी होती है। आप उनके पिता हैं? जी हाँ। आप चाय वाय पियेंगे? जी नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, बस ये लिफाफा उन्हें दे दीजिएगा, जरा संभाल के रखिएगा, 10,000 रुपए हैं। 10,000 रुपए किस बात के? आपसे छुपाने से क्या फायदा, आप उनके पिता हैं, समझ लीजिए मुआवजा है जो उन्होंने हमारे लिए किया। मुआवजा? साफ साफ क्यों नहीं कहता आप रिश्वत दे रहे हैं? और आपका बेटा रिश्वत ले रहा है। क्या बकते हैं आप, वो मेरा बेटा है। ईमानदारी हमारे खानदान, हमारे पूर्वजों की घुट्टी में पली है। जनाब मैंने 30 साल नौकरी की है, हजारों लाखों इन हाथों से गिने हैं, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं हुई मुझे रिश्वत देने की जुरत तक करे। उठा के ले जाइए इस बाप की कमाई को, और मैं अभी पुलिस में खबर देता हूं। थैंक यू नरेश साहब, आपने घर बुलाकर बहुत इज्जत की, अगर आप थोड़ी देर और ना आते तो ये साहब मुझे जेल भिजवा देते। थैंक यू। पिताजी आपको क्या जरूरत है मेरे ऑफिस के काम में दखल देने की? आपको मालूम है मैं ये घर कैसे चला रहा हूँ? क्या ईमानदारी से रोटी मिल सकती है, मकान खरीदा जा सकता है, बच्चों की फीस, कपड़े लत्ते, ये घर गृहस्थी चलाने का जिम्मा मुझ पर है, आप पर नहीं। ये मेरा बेटा बोल रहा है? पिताजी भूल जाइए वो दिन जब शराफत, ईमानदारी, नेक चलने के बदले में मेडल मिला करते थे। आजकल भूख और बदनामी मिलती है, जिंदगी भर की मेहनत और ईमानदारी के बाद आपको क्या मिला? मैं बताऊं बेटे क्या मिला? मन की शांति मिली, इज्जत मिली, मैं सर ऊंचा करके चल सकता हूं, जो आज की तुम्हारी इस नई पीढ़ी के नसीब में नहीं। ठीक है, ये आपका ख्याल होगा, अगर आपको इस घर में रहना है तो आइंदा से मेरे काम में दखल मत दीजिए। दूसरे लफ्जों में तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो बेटा? ठीक है, मैं खुद यहां रहना नहीं चाहता। जिस घर में मान मर्यादा ना हो, जिस घर में पाप की कमाई आने लगे, उस घर का पानी पीना भी मैं। तुम्हें जरूर मालूम होगा पिताजी कहां गए। वो तो मालूम है, बंबई गए। बंबई गए? लेकिन उनके पास पैसे कहां से आए? मैंने दिए। तुमने दिए? कहीं से चोरी की है क्या? लो, चोरी करने की जरूरत ही क्या है, भाभी ने चंदन के फीस के पैसे दिए थे, वो मैंने मामा को दे दिए। चंदन की फीस के पैसे तुमने पिताजी को दे दिए? तो और क्या करता, कहाँ से लाता पैसे? तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्चे की स्कूल की फीस दे दी, कल अगर उसे स्कूल से निकाल दिया तो? ओहो, तो निकाल देंगे तो क्या बुरा होगा, पढ़ लिख के तो तुम ही जैसा बन जाएगा। बकवास बंद करो प्रभु। प्रभु ये तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया तुमने। बहुत बुरा किया? और ये दोनों भाई तुम मामा मामी के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं? कल इनके अपने बेटे इनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो पता चलेगा। निकल जा, निकल जा मेरे घर से। अरे तेरा घर कौन सा, मेरे मामा का घर है, अगर मेरा मामा मुझसे कहेगा चली जा तो चले जाऊंगा। बोल मामा। तूने अपने साथ साथ मेरी आंखें भी नीची कर दी प्रभु। ठीक है, चला जाता हूँ, अब भी इस वक्त चला जाता हूँ। सुन, कहाँ जा रहा है? ए अरे शुक्ला, क्यों आज फिर भाभी की याद आ रही है क्या? देख रही यार, फोन करने से तो अच्छा एक बार मिली आप, आखिर बंबई है कि? नहीं नहीं डॉक्टर, वो बात नहीं, मुझे तुमसे एक सलाह लेनी। सलाह? बोलो बोलो। डॉक्टर मैं सोचता हूँ कोई काम ढूंढ लूँ, कोई छोटी मोटी नौकरी। अरे सारी उम्र काम किया है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब वो अपना खाते कमाते, तुम अब भगवान का भजन करो।
अगर आज मेरी औलाद होती तो क्या मैं काम करता? अब अपने बच्चों के बारे में तुम्हें क्या बताऊं डॉक्टर, ये दुनिया की रीति ऐसी है। इन पंछियों को देखो, कितनी लगन से अपना घोंसला बनाते हैं, फिर बच्चे होते हैं, माँ बाप एक एक दाना चुन चुन के लाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक दिन फुर से उड़ जाते हैं, अपना घोंसला तक भूल जाते हैं। ये तो कुदरत का अनलिखा कानून है डॉक्टर। ठीक कहते हो भाई। मैं तुम्हें क्या बताऊं डॉक्टर, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। बताने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ रहा हूं। फिर तुम अपने आप को देखो, काम करते हो, किसी के मोहताज तो नहीं हो ना, और फिर आज भी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ ही रहती है ना। मैं समझता हूं डॉक्टर, जवानी में पत्नी की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी बुढ़ापे में होती है। अजी सुनते हो, कब से इंतजार कर रही हूँ, खाना तो खा लो, दिन के 3 बज गए हैं, 3 बार गरम कर चुकी हूँ। हे भगवान, ऐसी गृहस्थी किसी के पल लेना पड़े, तुम्हारा बस चला तो मेरी खास रसोई घर में डाल दो। अरे 2 रोटी सेंक देती हो तो कौन सा आसान कर देती हो, आसमान सर पे चढ़ा रखा। आसमान सर पे चढ़ा रखा है, तुमको खाना हो तो खा लो। क्या कहा, तुम जानते हो ना कि तुम्हें खिलाए बिना मैं नहीं खा सकती हूँ, इसीलिए मुझ पर धौंस जमा रहे हो। क्यों, तुम्हें अपने पेट की परवाह नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल करो। अरे मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ निभा किए चली जा रही। ना आगे देखती हो ना पीछे, अरे जब चाहे टोपी उतार के रख देती हो, इतना भी ख्याल नहीं, एक शरीफ आदमी सामने बैठा है, अंदर आते हुए चली आती हो, जाओ नहीं खाता। अरे नहीं खाते तो मत खाओ, मेरी बला से नहीं खाते। डॉक्टर आज तुम्हारी जिंदगी से मुझे जलन हो रही है। मेरी धर्म पत्नी के कारण जलन हो रही है, मैं तो परेशान हो गया हूँ उससे। कुछ भी हो डॉक्टर, तुम हो बड़े खुशनसीब आदमी। अरे भाई जैसी भी है तुम्हारे साथ तो है। अरे तुम फिर आदम की। अरे खाना नहीं खाया तो नाश्ता तो कर लो, खाली पेट हवा भर जाएगी। लो पकड़ो भी। भैया तुम भी खाओ। नहीं शुक्रिया भाभी, मैं खाना खा के आया। अच्छा तो ये लो मीठा। मैं जानती हूँ तुम्हें मीठा बहुत पसंद है। शुभ घड़ी में पहुंचे हैं बॉम्बे। ट्रेन बंद, टैक्सी बंद, बस बंद, बॉम्बे बंद। कम से कम अपने भाई को तो लिख दिया होता, वो मैं स्टेशन आ जाता लेने, और ये मुसीबत मुझे नहीं उठानी पड़ती। मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मैं अपने भैया को सरप्राइज देना चाहती थी। हाँ, सरप्राइज देना चाहती थी, और हमारी तो जान क्या पड़ी ना। अभी से घबरा गए मिस्टर, जब गृहस्थी का बोझ उठाना पड़ेगा तब पता चलेगा। पर तुम ये कमर मटकाए कहां जा रही हो, कुछ करो ना। कितने अच्छे हो तुम, इतना बोझ उठाने के बाद भी तुम्हारी नजर मेरी कमर पे है। थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। अरे माँ जी आप बर्तन धो रही हैं, लाइए मैं धो देती हूँ। रही दो बहू, आप हटिए ना। अरे मुझसे कहा होता मैं कर लेती, आप हटिए मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। माँ जी पता है कल रात को ना मुझे बहुत डांट रहे थे, कह रहे थे कि सीमा आई है, अगर वो इस तरह दिखेगी तो क्या सोचेगी। ठीक ही तो कह रहे थे, लेकिन माँ जी मैं जबान की कड़वी जरूर हूँ लेकिन दिल से बहुत अच्छी हूँ। होता है ना माँ जी, अगर दो बर्तन हो ना तो आपस में जरूर टकराते हैं। आप अभी तक खड़ी हैं, जाइए आप आराम कीजिए। जाइए ना माँ जी, मैं कर लूंगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। घबराइए मत महाराज, अपना पूरा इन्फ्लुएंस लगाकर अच्छे नंबरों से आपको पास कराऊंगी। अरे मेरे बात, वो तो आपके माता पिता मुझे देखते ही पसंद कर लेंगे। अच्छा जी, इतना यकीन है खुद पर, तो इस बात पर हो जाए। फोन पर ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा मैं रखती हूँ, ओके बाय। बताओ तो
हमें भी तो कुछ पता चले, क्या नाम है उसका? मुझे नहीं मालूम। अरे वाह, अभी तो बड़े हंस हंस के बातें कर रही थी। बेटी, उसे कभी घर पर बुलाओ, हम भी तो देखें। माँ। बोल बेटी। माँ, कल अजय ने अपने घर पे मुझे बुलाया है, मैं जाऊँ? अच्छा, तो उसका नाम अजय है? ओ माँ। मेरी बेटी। बाबा, क्या माँ बेटी का प्यार हो रहा है। सुधा जी, एक कप गरम गरम चाय पिलाना। हाँ अभी ले। हाँ माँ, कल घर में एक पार्टी है, मैंने अपने बॉस को और ऑफिस के कुछ लोगों को चाय पे बुलाया है, और मैंने उन्हें कह दिया है कि मेरी माँ के हाथ की बनी हुई चीजें खाएंगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। भैया, मैं भी अपनी पसंद की दो चार चीजें बनाऊंगी, आप कुछ लेंगे? आप दीजिए। हाँ? बन्ना साहब नहीं है? आते होंगे। तुम्हें कुछ चाहिए माँ? तुम मेरी चिंता मत करो बेटी, मेहमानों का ख्याल रखो, जाओ। लीजिए ना, एक तो लीजिए। हेलो मामा साहब। हेलो। हेलो मंजीत बाबू। हेलो। अरे भाई सुधा, देखो कौन आया। सर, आने में इतनी देर हो गई? नहीं, ट्रैफिक जरा रास्ते में ज्यादा था। और एक नहीं, देखो कैसे बातें कर रहे हैं। ये मेरी पत्नी सुधा है, और ये हमारे बॉस है वर्मा साहब। नमस्ते। और ये उनके बेटे मंजीत बाबू। नमस्ते जी। मैं तो डरी गई थी, सोचा आप पता नहीं आ पाएंगे या नहीं आएंगे। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है, मैंने तो इससे आने का वादा किया था। बड़े लोगों का क्या भरोसा, वादा किया और भूल गए। नहीं सुधा, वर्मा साहब ऐसे नहीं है, अपने आदमी का बहुत ख्याल रखते हैं। अभी तुम इन्हें यहीं रोके रखोगी या? अरे भाई, इनका अपना घर है, आइए ना। आइए वर्मा साहब, आइए आइए। सीमा। आ। ये वर्मा साहब। नमस्ते। ये उनके बेटे मंजीत। नमस्ते। ये मेरी बहन सीमा, अभी भी नैनीताल से बीए का एग्जाम देकर आई है, और सबसे बड़ी खूबी ये है कि गाती बहुत अच्छा। अच्छा, वाह वाह। आइए वर्मा साहब, आइए। हेलो। हेलो। अच्छा सुनिए, आपके भाई साहब कह रहे थे आप अच्छा गाती हैं, तो हमें भी सुना दीजिए। अगर कोई आपसे कहे कि मैं बहुत अच्छा रोती हूँ, तो क्या आप मेरा रोना सुनना पसंद करेंगे? भाभी जी, देखिए ना, हमने तो इनसे बहुत रिक्वेस्ट की, हमारी बात तो नहीं मानती है। क्या हुआ? जरा आप ही कहिए ना, गाना वाना सुना दे, पार्टी में रौनक आ जाएगी। जरूर। थैंक यू। वो बर्मा चाह रहे हैं ना। सीमा। आ? जब मंजीत बाबू इतनी जिद कर रहे हैं तो गा दो ना। नहीं भाभी, बुरा लगेगा। जाने दो। कुछ खास बात हो रही है शायद। लगता है सीमा की भाभी ने उसे गाने के लिए मना लिया है। हाँ। Thank you.
नरेश भाई, तुम्हारी बहन तो हमें भा गई। थैंक यू सर, थैंक यू। मंजीत को तुम जानते हो, ना समझ है, थोड़ा गैर जिम्मेदार है। अगर कल उस पे जिम्मेदारी डाल दी जाए तो सुधर भी सकता है। वरना सर मैं समझाने, मेरा मतलब है अगर उसकी शादी सीमा जैसी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की के साथ हो जाए तो उसकी जिंदगी सुधर सकती है। इसमें मुझे कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के जवाब देना। मैं तो कहती हूँ कि इस रिश्ते से वर्मा के घर आना जाना रहेगा, इतना बड़ा कारोबार है उनका, और सीमा से शादी के बाद वो लोग तुम्हें अपना मैनेजर बना लेंगे। सुधा, मंजीत अच्छा आदमी नहीं है, ऑफिस में लोग उसके बारे में क्या क्या भगते हैं, और फिर मैंने अपनी आंखों से उसे लड़कियों से फ्लर्ट करते देखा है। जान मेरी, पैसा हर ऐप को छुपा देता है, और फिर कौन सा ऐसा मर्द है जो शादी से पहले यहां वहां मुंह नहीं मारता। लेकिन सुधा, हमें सीमा की राय लेनी चाहिए। अगर आप इसी तरह सोचते रहे ना तो बन चुका आपका कैरियर। लड़का इतने बड़े घर का है, पढ़ा लिखा है, और फिर सोसाइटी में इज्जत है उनकी। सीमा तुम्हारी छोटी बहन है, अगर तुम समझाओगे ना तो मान जाएगी। कोशिश तो करके देखो। दादाजी, ये सवाल मुझे नहीं आता, निकाल दो ना। अरे बेटा, चश्मे के बगैर तो मुझे तू भी नजर नहीं आता। एक काम कर, वो मेरी कोट की जेब है ना, उसमें मेरा चश्मा ले आ जा। क्या हुआ रे? दादाजी, आपका चश्मा टूट गया। हाँ? चश्मा टूट गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ बेटा, तेरी माँ तो मुझे कच्चा ही खा जाएगी। अरे रे रे, इस चश्मे के बगैर तो मुझे अंधा ही समझो बेटा। घबराइए नहीं दादाजी, मैं मम्मी से कहकर आपको नया चश्मा बनवा दूंगा। मम्मी, मम्मी! अरे नहीं नहीं बेटा, मम्मी को बताने की जरूरत नहीं। क्या है चंदन? मम्मी, दादाजी का चश्मा टूट गया। पिताजी, आपने चश्मा तोड़ डाला? थोड़ा नहीं बहू, टूट गया। ऐसे भी क्या लापरवाही, दादाजी को क्यों आती हो? चश्मा तो मुझसे टूटा है। अरे नहीं 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 बेटे, अपनी मम्मी के साथ इस तरह बात नहीं करते। बच्चा है वो, कोट की जेब से ये चश्मा निकाल रहा था, गिर गया। आपने इसे छूने क्यों दिया? चश्मा कोई बच्चों का खिलौना तो नहीं? ऐसा कसूर तो मेरा ही है, लेकिन किस्मत से ये फ्रेम बच गया है। कांच तो 15-20 रुपए में लग जाएगा। 20 रुपए? 20 रुपए आपको कुछ नजर ही नहीं आते। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पैसे पेड़ पर उगते हैं। आप कुछ दिन बिना चश्मे के गुजारा कीजिए, जब पैसे होंगे तो नया बनवा देंगे। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और रोज रोज कोई नया खर्चा। दादाजी, मेरे पास इसमें 2.40 रुपए जमा है, यह आप रख लो। जब मुझे टिफिन का पैसा मिलेगा मैं आपको ला कर दे दूंगा, और जब 20 रुपए जमा हो जाए तो 7-12 जाकर आपका चश्मा ले आएंगे, और मम्मी को तो पता ही नहीं चलेगी। ये तो तेरी पूंजी है रे, अपने बूढ़े दादा पे इतनी दौलत मत लुटाया कर। मेरा क्या है, अगले महीने दूसरा चश्मा आ जाएगा। दादाजी, आप रो रहे हैं ना? नहीं बेटा, मैं कहाँ रो रहा हूँ। अच्छा माँ, तो मैं चलती हूँ। जा बेटी, वो भी तेरी राह देख रहे होंगे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते माता जी। जीते रहो बेटे। हेलो हेलो। अरे भाई, ये बैग कहीं बाहर जाने की तैयारी है? पूना जा रही है, अपने पिताजी के पास। वाह, क्या इत्तेफाक की बात है, आज पूना में रेसेस है, मैं भी वही जा रहा था। रास्ते में सोचा आप लोगों से मिलता हुआ चला जाओ। तो सीमा, तुम इन्हीं के साथ चली जाओ ना, आराम से पहुंच जाओगी। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, हम अकेले, इनको तकलीफ होगी। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, गाड़ी तो यूं भी जा ही रही है। हाँ सीमा, चली जाओ ना। क्यों माँ जी, कोई हर्ज है? हाँ बेटी, चली जाओ, आराम से पहुंच जाओगी। अच्छा माँ, जाती हूँ। अच्छा लाइए, मैं ले लेता हूँ। इट्स ऑलराइट, आइए।
माँ मैं सीमा को बाहर छोड़ाती हूँ। नमस्ते माता जी। थैंक यू वेरी मच। एंटायरली माई प्लेजर। शैल आई हेल्प यू? नो नो इट्स ओके। मैं होटल ब्लू डायमंड में ठहरा हूँ, अगर आप मिलना चाहें तो। मिलने की वजह? वजह तो आपके नरेश भाई साहब ही बता सकते हैं, वो आपकी और मेरी शादी तय करना चाहते हैं। देखिए नरेश भैया ने अपनी शादी अपनी मर्जी से की है, मेरी शादी होगी मेरी मर्जी से, समझे? बाय बाय। पिताजी कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। कब आई? अभी आई। अच्छा अच्छा, बम्बई में तू अपनी माँ से तो मिली होगी। कैसी है? आपके लिए एक चिट्ठी दी है। अच्छा, ये तुम्हारी माँ की दूसरी चिट्ठी है जो जिंदगी में उसने मुझे लिखी है। आपका चश्मा किधर है? हाँ बच्चिया, ये तुम्हारी माँ की चिट्ठी है ना, मैं बाद में आराम से पढ़ूं। हाँ ये सीमा, और सुनाओ तुम। आई भाभी। जाओ बेटिया जाओ। प्रभु सेठ। क्या लफड़ा कंपनी? तेरे कोई मिमसा मिलने को आया। मेरे को? रॉन्ग नंबर होगा यार, कहीं और देख। मैं माँ कसम बोलता है। माँ कसम, मेरे को मिलने कौन आएगा? चल सीमा तुम। लेकिन यहाँ अपने प्रभु भैया से मिल आई हूँ। लेकिन यहाँ इस गैरेज में अपने बड़े भैया के शानदार ऑफिस में जाकर इतनी खुशी नहीं होती प्रभु भैया जितनी खुशी यहाँ कर हुई है। बड़ी बातें बनाने लग गए हैं, शादी हो जाएगी तो नानी माँ बन जाएगी। चला बैठ, पता क्या हाल है तेरा? समझ भी नहीं आ रहा है प्रभु भैया, माँ और पिताजी की हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है। क्या हुआ उनकी हालत को? सब मजे में है, बेटे कमाते हैं, बहुएं पकाती है, बैठ के खाते हैं। और आप तुम्हारी हालत भी देख रही हूँ। अरे मेरी हालत को क्या हुआ, इससे पहले तो बेकार था, अब तो कार वाला हो गया। देख कितनी कार है मेरे पास, 1 2 3 4। तो भैया तुम लाख छुपाओ, लेकिन तुम ही मेरी तरह उनके लिए अंदर ही अंदर जलते रहते हो, रोते रहते हो। इतना खुश होऊंगा मैं इस उम्र में अलग कर दिया दोनों को? ऐसे बेटों से तो दुश्मन अच्छे, जो मारते हैं तो जान से मार डालते हैं। यू घुट घुट कर एक एक चीज के लिए तड़पाते नहीं, और मैं भी तो किसी काम का नहीं ना, पढ़ा लिखा होता तो शायद उनके किसी काम आ सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते भैया, लेकिन कुछ करने की भावना तो है। ये जरूर नहीं आदमी क्या करता है, वो क्या करना चाहता है। और भैया मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। सीमा तुम इन बातों में मत पड़ो, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई करो, तुम लड़की हो, तुम कर ही क्या सकती हो। अच्छा ये मैं लड़की हूँ भैया, लड़का होती तो अपने भाइयों की तरह उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती। तो भैया मैं वादा करती हूँ, मुझसे जो कुछ भी बन पड़ा मैं उनके लिए करूंगी, अपनी जान देकर भी मैं उनके लिए। कौन? सीमा आओ बेटे। हाँ आप अभी तक सोए नहीं? नहीं बेटे। आओ बेटे आओ। क्या बात है? मुझे आपसे कुछ कहना है। ठीक है, मुझे भी तो तुमसे कुछ कहना है, पूछना है, आज दिन में तो वक्त ही नहीं मिला। आ बैठ आ। पहले ये बता, तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? तू वहां खुश है ना? मैं सच सच बोलूं पिताजी,
और नहीं तो अपने पिता से झूठ बोल रही। मैं वहां बहुत खुश थी, लेकिन लेकिन मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। क्यों बेटी? आप दोनों के लिए पिताजी, इस बार आपको देखकर ऐसा लगा जैसे आप बहुत बूढ़े हो गए। पहले पहले आप कितने खुश नजर आते थे। ऐसी बात नहीं है बेटी, मैं तो अभी भी बहुत खुश हूँ। और फिर बुढ़ापे में मैं बुढ़ा नहीं तो क्या जवान दिखूंगा? आप जो हंसी में अपना दर्द छुपा रहे उसे मैं समझती हूँ पिताजी। माँ भी आप ही की तरह हंसती है। क्या मतलब? पिताजी जिस तरह आप मजे में हैं, ठीक इसी तरह माँ भी खुश है। हमारी बात जाने दो, बूढ़े बेकार आदमियों के बारे में क्या बात करना। अभी तो हमें तुम्हारे बारे में सोचना है, तुम्हारा ब्याह करना है। मेरा ब्याह? क्यों क्यों? अरे पगली, तुम्हारा ब्याह होगा, तुम अपना घर बसाओगी, गृहस्थी संभालोगी, यही तो धर्म है बेटी। ठीक ही तो है, आप लोग की तरह मैं भी शादी करूंगी, मेरे भी बाल बच्चे होंगे, और हम जब आपकी तरह बूढ़े हो जाएंगे हमारे बच्चे हमें अलग कर देंगे, जैसे मेरे भाइयों ने आप दोनों को अलग कर दिया है। यही तो धर्म है ना पिताजी? क्या क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? पिताजी मैं सब कुछ समझती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। हम लोगों के लिए आप दोनों ने क्या क्या कष्ट उठाए, और उसके बदले में आपके दोनों बेटे आपके साथ क्या सुलूक कर रहे हैं। माँ माँ वहां दिन रात काम करती है, आप सिगरेट के टुकड़े टुकड़े करके पीते हैं, और वो भी प्रभु भैया लेकर आते हैं, टूटे हुए चश्मे के साथ काम चलाते हैं। पिताजी पिताजी मैं सब कुछ समझती हूँ, बंबई का घर इतना छोटा नहीं कि आप माँ के साथ ना रह सके, लेकिन बड़ा भाई नहीं चाहता, यहाँ आपके पास माँ रह सकती है, लेकिन लेकिन छोटा भाई बोझ उठाना नहीं चाहता, मुझे मुझे इन भाइयों पे शर्म आती है। पिताजी पिताजी मैं सोचती थी जब दो आदमी ब्याह करते हैं तो मौत ही उन्हें अलग कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल गलत है, बच्चे भी अपने माँ बाप को अलग कर सकते हैं। पिताजी नहीं बेटी, रो मत, तू रोएगी ना तो मुझे तो होगा बेटी। आज पहुंचे। नहीं यार, कल की रस्म में मजा नहीं आया, यही कोई 20,000 जीता। कम इन यार, कोई आया है, आई कॉल यू अप। आप किसी और का इंतजार कर रहे थे? नहीं तो किसी का भी इंतजार नहीं था, आइए ना बैठिए। What a pleasant surprise! आप क्या लेंगी, ठंडा या गरम? मंजीत बाबू, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। कहिए ना। आप सचमुच मुझसे शादी करना चाहते हैं? सचमुच? ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ख्वाहिश है। आप नहीं जानती मैं आपको कितना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझे कितना चाहते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक शर्त? मुझे तो आपकी सारी शर्तें मंजूर है, आप बताइए तो सही। शादी के बाद मेरे माता पिता मेरे साथ रहेंगे। ये भी कोई कहने की बात है, आपके माता पिता मेरे माता पिता के समान है, हमें बुजुर्गों का साया मिल जाएगा। ठीक है, बस मुझे अपने माँ बाप की खुशी चाहिए। और मुझे आपकी। अच्छा मैं चलती हूँ। मामी। कौन? मैं हूँ प्रभु। कौन है? हाँ, मैं हूँ प्रभु। तू खिड़की से क्यों आया रे? तूने कहा था ना कि दरवाजे से अंदर ना आना, इसीलिए खिड़की से आया हूँ। तू ना
तू पगला है, बिल्कुल पगला। अरे मामी, इस अकल वालों की दुनिया में तो मुझे सब पागल ही अच्छा। मामी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया, मिठाई का डब्बा, तुझे बहुत पसंद है ना, मेरी पहली पगार का है। और मामी प्रभु को कभी गलत ना समझना, हाँ ये देख 300 रुपए। 300 रुपए? मैंने चोरी नहीं की, मेरी पगार का है, मैंने नौकरी कर ली गैरेज में, एक ड्रेस। जीते रहो बेटा। प्रभु खैर नहीं पूछूंगी। ये नहीं पूछूंगी कि वो कैसे हैं, अगर पूछूंगी तो तू मेरा दिल रखने के लिए झूठ बोलेगा, और अगर सच बोलेगा तो शायद शायद मैं सहन नहीं कर सकूंगी। बस मामी तू जल्दी से ठीक हो जा, इन पैसों से दवाई मंगा लेना, और मेरे पास कुछ और पैसे जमा हो जाए ना तो मैं आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मैं चलता हूँ, कहीं उन लोगों ने सुन लिया तो फिर से झगड़ा हो जाएगा। तो फिर आएगा ना? आऊंगा आऊंगा, जरूर आऊंगा। अपनी तबीयत का ख्याल रखना। हाँ हाँ बहुत अच्छी पार्टी थी, लेकिन तुम लोग क्यों नहीं आए थे? क्यों सुधा? हाँ जी। रमा मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय। तुमने मेरे जेब से रुपए निकाले थे क्या? क्या बात कर रहे हैं, अगर मुझे रुपयों की जरूरत होती तो आपसे मांग लेती, और अगर जेब से निकाले होती तो क्या कहने देती। कमाल है, जेब में रुपए रखे हुए थे, पता नहीं किसने निकाल लिया। कितने थे? 200-250 रुपए थे। 200-250 रुपए? अच्छा हुआ, एक तो घर में पहले ही तंगी चल रही और आप है कि इतने बेपरवाह हैं। पता नहीं कहाँ गुड्डू निकी, तुमने डैडी के रुपए कहीं देखे? नहीं मम्मी। लो, समझ में नहीं आता, घर में कोई और है भी तो नहीं कि। क्या हुआ? कुछ नहीं माजी, देख रही थी कपड़े बहुत मैले हो गए हैं, धुलने नहीं डाले। धुल जाएंगे। मैं भी कितनी सुस्त हो गई हूँ, चादर कितनी मैली हो गई है, और ये गिलास तो देखो कितना मैला हो गया। डैडी डैडी मेरे पत्ते लगा दीजिए ना। एक मिनट बेटा। डैडी एक मिनट तो लगेगा। ओफो। सुनिए। क्या है, पैसे मिल गए क्या? क्या कहूँ, कहूंगी तो मैं बुरी बनूंगी। साफ साफ कहो, पहलिया ना बुझाओ। तुम्हारी माँ। क्या बकती हो सुधा। मैंने कहा ना, मैं कहूंगी तो तुम भी लाल पीले हो जाओगे, लेकिन आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जा सकती। हुआ क्या, बोलो भी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आंटी ने तक्के के नीचे छुपा कर रखे हैं। छी छी, देखकर मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। तो बा क्या जमाना आया है भाई, तुम जानो तुम्हारी माँ चोरी करे या चकारी करे, मैं ठहरी पराए घर की, मैं कहूंगी तो कहोगी कि मैं। भगवान जाने कोई किसी पे कैसे विश्वास करे। नहीं नहीं सुधा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, मैंने अपनी जड़ी आपके रुपए मिलके बाथरूम में पड़े थे। नाश्ता तैयार है। दादी माँ दादी माँ। कौन? निक्की। दादी माँ, माँ बहुत बुरी है। जी बेटे, माँ को बुरा नहीं कहते। दादी माँ तुमको मालूम है मम्मी क्या कहती है? कहती है दादी माँ ने चोरी की। क्या? डैडी के रुपए चोरी हो गए थे ना, तो मम्मी ने सोचा तुम्हारे तकिए के नीचे रखे हैं ना, पर वे चोरी थोड़े हो गए, बाथरूम में गिर पड़े थे, अभी गुड्डू ने देखे हैं। Thank you.
बहू, बस यही एक कसर बाकी रह गई थी कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाओ। लोग हमारे नामों की कसमें खाते थे, आज तुम्हारे पिताजी सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि उनकी पत्नी चोर। मां, मैं बेटी से बहू बनी, बहू से मां बनी, मां से सास और यहां आकर नौकरानी बन गई। फिर भी मैंने उफ नहीं की। मैंने सोचा कि मेरे ही बच्चे हैं, अपने बच्चों की सेवा करना हर माँ बाप का फर्ज। मैं बीमारी की हालत में भी जुटी रही, लेकिन लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला? यही ना कि मैं चोर कहलाई, मैं चोर कहलाई। नहीं नरेश, नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। माँ, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दूंगा। मुझे रोकोगे नरेश तो मेरी लाश देखोगे। बहू, तलाशी लेनी हो तो ले लो, चाहो तो पुलिस को बुला लो। हाँ प्रभु, प्रभु मुझे ये 300 रुपए दे गया था, लो लो इसे भी रख लो। माँ, हेलो माँ, माँ। अगर मुझे मरना ही है तो मैं किसी सड़क पर जान दे दूंगी, लेकिन लेकिन इस घर के छत के नीचे मरूंगी भी नहीं नरेश, मैं मरूंगी भी नहीं। अरे बेटे, स्टेशन का रास्ता किस तरफ है? माँ जी, आप यहाँ से सीधे चले जाइए, उसके बाद बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाइए। अच्छा, तुम्हारी माँ को पता चल गया कि तुम हमारी खातिर अजय से नहीं मंजीत से शादी करने को तैयार हो तो क्या सोचेगी वो? नहीं बेटी, नहीं, अपने मोड़े माँ बाप के खातिर कोई इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करता है? पिताजी, अगर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना माँ बाप का फर्ज है तो बुढ़ापे में माँ बाप की देखभाल करना बच्चों का फर्ज है। सुना जी, इसकी बातें सुनी तुमने? कल की ये नन्नी मुन्नी गुड़िया आज हम बूढ़ों का बोझ अपने कंधों पर उठाएंगे। और फिर लोगों के घर बेटी पैदा होती है तो उन्हें दुख होता है कि हमारे घर बेटा नहीं हुआ। अगर तुम्हारा खत मुझे वक्त पर नहीं मिलता तो सीमा, तुमने अपने आप ही फैसला कैसे कर लिया कि मैं जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं हूं? इतना भी यकीन नहीं था मुझ पर। गरीब आदमी के पास और कुछ नहीं, सही लेने के थोड़ा सा अभिमान ही तो होता है, उसे तो रहने दिया होता। सच कहता हूं सीमा, मैं तुम्हारे माता पिता को अपनी सर आंखों पर बिठाता। अच्छा बेटा, मुझे तुम पर बहुत मान हो आया है, लेकिन बेटा हमारी कुछ परंपरा है, हम लोग बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। पिताजी, आपका तारा है।
दफ्तर बेटे पढ़ो। माँ की हालत बहुत खराब है, फौरन बुलाया है। क्या नरेश का टेलीग्राम है? नहीं, सेंट्रल हॉस्पिटल से है। ये पिताजी और सीमा कहाँ चले गए? बस ये तार आया था पढ़ते ही। तार? माँ अस्पताल में? कंडीशन सीरियस? देखिए अगर घंटे भर के अंदर अंदर पूछ ना आया तो आई मीन केस सीरियस है। देख सकते हैं सिर्फ आप, और देखिए मरीज को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। आया है ना तुम, सुखी होना चाहती हो? अकेले? तुमने तो हमेशा मेरे दुख बांटे हैं, तुम भला मुझे कैसे दुखी कर सकती हो? मैंने अगर मजबूर होकर कुछ दिनों के लिए तुम्हें खुद से अलग कर दिया था, अपनी औलाद के हाथों पे बस। अरे जिन्हें जिगर का टुकड़ा कहा उन्होंने, मैं अपनी औलाद को बद्दुआ तो नहीं दे सकता सरोज, लेकिन अब कभी मेरे दिल से उनके लिए दुआ भी नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी। नहीं हो ना सरोज, अभी तो तुम्हें मां होने का फर्ज पूरा करना है, सीमा के हाथ पीले करने हैं। अच्छा लड़का है, साथी आया है, और अब हम फिर इकट्ठे रहेंगे। प्रभु ने मेरी लॉकरी लगवा दी है, बोलोगे नहीं सरोज? हम दोनों एक दूसरे को देख देख के जीते थे, अब क्या मुझे देखोगे ही नहीं?
भाग गए। ये देखो कौन है, ये चतुर। सीमा, सीमा, ये अजय है ना? साहब, कोई मिस्टर नरेश आए? माँ की तबीयत कैसी है? किसकी माँ? पिताजी, डॉक्टर ने सरोज से मिलने की इजाजत सिर्फ अपनों को दी है, मेरे को नहीं। उसको मौत के मुंह में धकेल के अब उसकी जलती चिता देखने आए हो तुम लोग? तुम्हें शायद ये सुनकर दुख होगा, अब सरोज ठीक है। पिताजी, हमें माँ को देख तो लेने दीजिए। जिस माँ का चेहरा देख देख के तुम लोग बोलना सीखे, शक्लें पहचानना सीखे, अब वो चेहरा मैं तुम लोगों को कभी देखने नहीं दूंगा, कभी नहीं। ये मेरा फैसला नहीं, हुक्म है। पिताजी, हमसे भूल हुई, हमें माफ कर दीजिए। तुम लोगों को जन्म देकर जो गुनाह मुझसे हुआ है, उसके लिए भगवान भी शायद मुझे माफ नहीं करेगा। मैं माफ करने वाला कौन होता हूं? तुम जाओ यहां से, जाओ। और भगवान ना करे मुझे या तुम्हारी मां को कभी तुम्हारे कंधे की भी जरूरत पड़ जाए। मामी ने बुलाया। बताओ बेटे। सरोज, नरेश, रमेश, बाहर क्यों खड़े हो बेटे? मेरे पास आओ। बेटा, बच्चों की तरफ मुंह फेरे क्यों खड़े हो? बच्चे बुरे हो सकते हैं, लेकिन मां बाप नहीं। अगर मां बाप बुरे हो जाएं, तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तुम्हें मेरी पसंद